अरे केजरीवाल तो लुच्चा आदमी है, वो क्या है, वो चोर चपट वाला आदमी है, वो झूठा ही बोलते हैं, बस झूठा ही 10 बार बोलेगा ना तो वो क्या है, सच्चा लगता है, वो सच्चा होता ही नहीं, वो झूठा, वो क्या है, एकदम गलत आदमी है वो। तो उन्होंने एक वादा किया है कि अगर आप हमारी सरकार बनाएंगे तो हम फ्री में बिजली देंगे गुजरातियों को। अरे क्या फिर बिजली देगा, बिजली मिलती है ना, वो बिजली बिज क्या कहाँ से ला के देगा, वहाँ भी पूरा नहीं दे रहे तो बिजली की इतनी तकलीफ है, यहाँ गुजरात में बिजली मिलती ही है, कोई तकलीफ नहीं है बिजली का। तो वो तो कह रहे हैं विकास ही कुछ नहीं हुआ 27 सालों में। अरे इतना विकास हो तो उनको नहीं दिखता है, वो अंधा होगा ना, वो अंधा ही होगा। तो कई लोग कह रहे हैं कि पटेल इस बार भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। है नहीं नाराज नहीं, कोई नहीं आ रहा है, वो तो आप वाला बोल रहे हैं, और कौन बोल रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं, और कोई नहीं है सर। गोपाल इटालिया जो पटेल समाज से आते हैं उनकी गिरफ्तारी के बाद कई पटेल नाराज हैं। पटेल समाज कोई नाराज नहीं है, ये लोग तो ऊपर ऐसा ही करते हैं, वो पहला वो बोल रहे थे, दूसरा लोग बोल रहे, ऐसा है, कोई नाराज वाराज कोई नहीं है, वो सब भाजपा के साथ है। तो आप खुद पटेल समाज से आते हैं तो आप ये बताइए, कई पटेल जो कह रहे हैं कि नाराज चल रहे हैं 2017 से। कोई पटेल नहीं कह रहे, जिसको उसको वो नहीं रहने, वो ही बोल रहे हैं, उनको जाने का है आप में करके, वो बोल रहे हैं, वो आप में घुस गए ना करके ऐसा बोल रहे हो। अच्छा। उनको और कुछ नहीं है, वो क्या है, उनको सत्ता होना करके वो जा रहे हैं, ऐसा है कुछ, उसको कोई पूछ नहीं रहे ना, उसमें जाने को बोल रहे थे, उसमें जाके बोले बड़ा हो जाऊंगा ना, ऐसा वो अल्पेश ठाकुर वगैरह कैसा हो गया, फिर हो गया ना ठंडा, वो सब लोग ऐसा, ये भी ठंडा हो जाएगा। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि यहाँ पर आम आदमी की गवर्नमेंट की फुल बहुमत से सरकार आ रही है। अरे केजरीवाल तो लुच्चा आदमी है, वो क्या है, वो चोर चपट वाला आदमी है, वो झूठा ही बोलते हैं, बस झूठा ही 10 बार बोलेगा ना तो वो क्या है, सच्चा लगता है, वो सच्चा होता ही नहीं, वो झूठा, वो क्या है, एकदम गलत आदमी है वो। तो उन्होंने एक वादा किया है कि अगर आप हमारी सरकार बनाएंगे तो हम फ्री में बिजली देंगे गुजरातियों को। अरे क्या फिर बिजली देगा, बिजली मिलती है ना, वो बिजली बिज क्या कहाँ से ला के देगा, वहाँ भी पूरा नहीं दे रहे तो बिजली की इतनी तकलीफ है, यहाँ गुजरात में बिजली मिलती ही है, कोई तकलीफ नहीं है बिजली का। तो वो तो कह रहे हैं विकास ही कुछ नहीं हुआ 27 सालों में। अरे इतना विकास हो तो उनको नहीं दिखता है, वो अंधा होगा ना, वो अंधा ही होगा, वो ऐसा करके बोल रहा, उनको क्या है, पूरा हिंदुस्तान में बोला मैं हो जाऊँ, उनको ऐसा है हिंदुस्तान में मैं बन जाऊँ बड़ा, वो दूसरा 30 मुख्यमंत्री है, कोई बोलता है ऐसा, 30 मुख्यमंत्री है कोई बोलता है नहीं, वो एक ही उनको ही पड़ी है, वो दिल्ली राज्य इतना छोटा है ना करके वो बड़ा वो दिखता है, वो अब बाप बड़ा राज्य में जाए तो मालूम पड़ता है, घूमने को सबको तकलीफ मालूम होगा, वो वहाँ क्या मालूम पड़ेगा छोटा देश राज्य में। आप खुद पटेल हैं और कई जो पटेल आपको सुन रहे होंगे उनसे क्या अपील करेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जातिगत देखना चाहिए या कुछ जाति से ऊपर उठकर? ना जातिगत सब सरीखा, जातिगत कोई नहीं आएगा, सब सरीखा रहेगा, सबको सबका साथ सबका विकास, सब पटेल सबको साथ में लेकर चलता है, पटेल लोग सबको साथ में लेकर जाता है और बहुत विकास करते हैं, हर गांव में पटेल लोग विकास करते हैं और राज्य में विकास करते हैं, देश में विकास करें, अभी सरदार वल्लभ भाई देखो कितना सबको विकास किया ने, डेयरी का विकास किया आनंद में सब। उसमें केजरीवाल ने उस समय ये कहा था जब स्टैचू बन रहा था कि इतने हजारों करोड़ बर्बाद करके क्या फायदा, बड़े बड़े पुल बनाओ, वो बड़ा एक ही काम करेगा, सब काम करना पड़ता है देश में, है सब देश में सब काम अलग अलग करना पड़ता है, एक ही काम नहीं करना पड़ता है, सब काम अलग अलग, कोई स्कूल बनाने है, कोई रोड बनाने का, सब काम करना पड़ता है, एक ही काम थोड़ा करने का है, सब काम करना पड़ता है, बहुत काम है बाकी, अपना घर का काम नहीं कर सकते तो उनका बोलो घर का बाकी रह जाता है ना। धन्यवाद सर, धन्यवाद। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वक्त हम मौजूद हैं वडोदरा शहर में, यह गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा सिटी है और यहाँ पर ये बस स्टैंड आप देख सकते हैं, इस बस स्टैंड की अगर आप हालत देखेंगे तो किसी बड़े राज्य के, किसी जैसे दिल्ली बड़े शहर से बड़ा ये जो बस स्टैंड है, इसको आप देख सकते हैं कितना बड़ा इसका रूप है। और जो गुजरात में कई लोग कहते हैं कि विकास नहीं हुआ है तो उसका देख सकते हैं आप कि यहाँ की जो सिटी GSTS जो बस स्टैंड है वो आपको बता सकते हैं कि जो गुजरात है उसमें विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। अब हमारी जो टीम है वो वडोदरा शहर में पहुंच चुकी है और इसका नाम कई लोग बड़ौदा भी लेते हैं और कई लोग वडोदरा भी लेते हैं। तो अब यहाँ की जो 18 लाख की जनसंख्या बताई जाती है, अब इन लोगों का अब यहाँ पर क्या रुख होने वाला है, क्या वो इस गुजरात विधानसभा 2022 के जो चुनाव होने वाले हैं उनमें उनका रुख क्या होने वाला है, अब ये देखने को हम यहाँ के लोगों स्थानीय लोगों से पूछते हैं। तो चलिए इन्हीं से पूछते हैं कि किस तरीके से अब वो गुजरात में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, त्रिकोणीय विधानसभा चुनाव, उसमें वो किस पार्टी को वोट करेंगे। सर आपका नाम क्या है? मनु भाई। मनु भाई ये बताइए, आप गुजरात से ही हैं
और आप ये बताइए, अब गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, कई पार्टियां आ रही हैं, इस बार कह रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला है, तो आपको क्या लगता है, आप यहाँ के स्थानीय हैं? बहुत अच्छा लगता है, अच्छा है, पार्टी आ रहा है तो ठीक है, अच्छा है, मेरे को अच्छा लगता है। और मैं भी दवाखाना गुजरात में भावनगर से आ रहा है, मैं जा रहा है पेंकर हाड़ में, हाड़ का दवा लेने के लिए। आप ये बताइए, गुजरात में कई लोग कहते हैं कि विकास नहीं हुआ, आप यहाँ के स्थानीय? नहीं, नहीं, बहुत विकास हुआ और बहुत अच्छा हुआ है। मैं बोलता है ना, मैं बहुत विकास भी हुआ, बहुत अच्छा हुआ। चलो मैं जाता हूँ। लास्ट बार आप ये बताइए, अपना वोट वो बता दीजिए कि किस पार्टी की सरकार आनी? मैं सरकार आने की मोदी की पार्टी आना मांगता है। केजरीवाल के लिए क्या? केजरीवाल के लिए हम ठीक ठीक। आपका नाम क्या है? रवि। आप ये बताइए, आप यहीं के हैं, गुजरात से रहने वाले? गुजरात यही कहूँ। क्या करते हैं? कुछ नहीं, रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा, आप ये बताइए, कई लोग ये कह रहे हैं कि जो विधानसभा चुनाव है इस बार कुछ नया हो सकता है, आपको क्या लगता है? वो कुछ भी हो गया, गुजरात में कुछ विकास हुआ है? ये तो मालूम, मैं तो गाँव से हूँ, पूरी जगह मालूम नहीं है। तो गाँव में बिजली आती है, पानी है? पानी है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि कई जो नई पार्टियां वो ये कह रही हैं कि हम फ्री बिजली देंगे, तो आपको भरोसा है ऐसे बातों पे? नहीं है, फ्री में, फ्री में कोई नहीं दे, फ्री में नहीं चाहिए। आप गांव से बिलोंग करते हैं, फिर भी आप ये चाहते हैं कि फ्री में कोई चीज़ ना मिले? नहीं नहीं। क्या करना चाहिए? काम? काम जी, जी। सर, आपका नाम क्या है? महेश भाई। महेश भाई, ये बताइए, आप यहाँ पर बस का इंतज़ार कर रहे हैं और आपने पूरा गुजरात देख लिया होगा, अब विधानसभा चुनाव यहाँ पे होने वाले हैं, क्या लगता है आपको इस बार की गुजरात की जो जनता है उसका मूड क्या लग रहा है? जनता का मूड भाजपा को देगी ना वोट। तो कई जो पार्टियां हैं, जो नई पार्टियां आई हैं, वो कह रही हैं कि 27 साल से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर काबिज है, उसने कोई भी काम नहीं किया है। नहीं काम किया है ना, क्यों नहीं किया है? जरा आप काम बताइए, ताकि लोग भी जो हैं वो जान सकें कि गुजरात में सच में काम हुआ है कि या खाली ये बातें हैं। काम किया, मोदी जी ने इतनी लोन दी है, धंधे के लिए लोन दिए, मकान बना के दिए, गांव में शौचालय हुआ है। तो कई लोग ये कह रहे हैं कि हमें एक बार मौका दे दीजिए, अरविंद केजरीवाल ही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे, आपको रोज़गार देंगे, यहाँ पर बेरोजगारी बहुत है। हाँ, उनका भी ये जो 2023 का है ना, उसमें बहुत डिमांड है केजरीवाल का, सबके आने के ऐसे केजरीवाल का मार्केट बहुत है अभी। आपको लगता है कि केजरीवाल आ सकते हैं? आ सकते हैं। आपका नाम क्या है? अरे यानी मैं तो वहाँ रहता हूँ भाई, मेरा नाम, मैं यहाँ नहीं रहता। कहाँ रहते हैं आप? ये भावनगर का हूँ मैं। मैं तो गुजरात से ही। अब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं यहाँ पर, क्या मूड लग रहा है? अच्छा है मूड। कौन सी पार्टी आ सकती है, किसने रोज यहाँ पर? तो वे तो अपने को क्या मालूम हो, तो नहीं, नहीं, कई लोग कह रहे हैं कांग्रेस आ सकती है, कई लोग भारतीय जनता पार्टी को बोल रहे हैं, कई बोल रहे हैं केजरीवाल को, आपको क्या लगता है? भाजपा आएगी, ऐसा लगेगी मेरे को, लगता है। तो केजरीवाल तो कह रहे हैं 27 साल में कोई भी विकास नहीं हुआ यहाँ। अपने को क्या मालूम है, मेरे को बहुत आइडिया नहीं है, देखो मैं तो रिटायर आदमी हूँ भाई। हाँ, लेकिन भाजपा सकती है ऐसा मैं इतना कह सकता हूँ। नहीं नहीं, आपने, आपको इतना अनुभव होगा गुजरात, आपने इतना देख लिया, आप इतने बड़े हैं, तो आप ही बताइए क्या विकास? हाँ तो हम तो मत देने जाते, हर साल भाजपा ही आता है, इस गणतरी से बोलते हैं कि भाजपा आएगा। नाम क्या बताया आपने? मोहम्मद भाई। मोहम्मद भाई, आप ही बताइए, कई लोग ये कहते हैं कि बीजेपी को वोट नहीं करते मुस्लिम जो भी लोग होते हैं, आप ये सच्चाई बताइए क्या? करते हैं, करते हैं वो लोग, हाँ भाजपा को करते हैं। जैसे केजरीवाल है, वही कह रहे हैं कि हम फ्री बिजली देंगे आपको, तो हमें वोट दे दीजिए आप। ना वो तो मैं मानता नहीं हूँ ऐसा। आप फ्री में विश्वास नहीं करते? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, लोगों को काम देना चाहिए, फ्री नहीं देना। हाँ बराबर है। तो आपका मानना है कि बीजेपी आए? हाँ आएगा, आएगा लगता है, लगता है ऐसा। सर आपका नाम क्या है? रसून शर्मा। आप यहीं से हैं गुजरात से? हाँ गुजरात से। आप ये बताइए, आप युवा हैं और कई लोग ये कहते हैं कि युवाओं के लिए गुजरात में कोई भी रोजगार के अवसर नहीं है, बेरोजगारी है 27 साल से, कोई विकास नहीं हुआ है, उन लोगों को क्या कहेंगे आप? उन लोगों को ऐसा है कि अभी सब लोगों को जॉब मिल रही है, जैसे मैं भी एक साल तक बेरोजगार था, पर यहाँ गुजरात में जॉब अच्छी तरीके से मिल जाती है, बड़ौदा में बहुत सारा स्कोप है, तो ऐसा है कि यहाँ पे मिलती है अभी जॉब और बढ़ेगी, तो यही कहना है। आप ये बताइए कि जैसे कई लोग ये कहते हैं कि जैसे चुनाव आते हैं तो कुछ बड़े बड़े
वादे करने शुरू कर देते हैं, कई कहते हैं कि फ्री बिजली देंगे, कोई बोला रोजगार देंगे, पर वास्तविकता में बाद में कुछ अंतर आता है। क्या आपको लगता है कि जो जनता है ऐसे लुभावने जो वादे किए जाते हैं उन पर वोट देना चाहिए? नहीं नहीं, वैसा नहीं, जो उनको दिखता है उसी पर वोट दें, और वैसे ऐसे किसी का मानने पे वोट देना नहीं चाहिए। तो जो ये फ्री के वादे किए जा सकते हैं, आपको लगता है कि इससे देश का भला हो सकता है आने वाले समय? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं। तो गुजरात की जनता से और आप जैसे युवाओं से क्या अपील करेंगे जो आपको सुन रहे होंगे कि गुजरात में किस मुद्दे पर वोट किया जाना चाहिए? गुजरात की जैसे कि तरक्की होनी चाहिए जो हो ही रही है भाजपा के कारण, तो हम यही कहेंगे कि अभी तरक्की होगी तो जॉब ऑटोमेटिकली मिलेगी, तो आपको भाजपा को ही वोट देना चाहिए। लेकिन कई लोग तो इस विपक्षी ये आरोप लगा रहे हैं कि महंगाई की मार से जो जनता है वो हर जगह त्रस्त हो चुकी है। नहीं, अब आप देखिए यूके की इकोनॉमी को भी पीछे छोड़ दिया है भारत ने, तो अभी प्रोग्रेस तो हो ही रही है, धीमे धीमे जॉब वॉब भी मिल जाएगी, तो वो अच्छा ही है हमारे लिए, भाजपा को ही वोट देना चाहिए। आपका नाम क्या सर? मिहिर। मिहिर, आप ये बताइए गुजरात में जो युवा हैं इस बार क्या लग रहा है आपको? फर्स्ट टाइम वोटर होंगे आप? हाँ, पहले वोट टाइम। फर्स्ट टाइम है? 19 साल का। अच्छा, 19 साल का पहली बार आप वोट करेंगे विधानसभा चुनाव में। फर्स्ट टाइम वोटर किस ओर बैठ रहा है इस बार, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, क्या सोच है आप? वैसे तो हम मोदी जी के साइड में सही है, तो बीजेपी। अभी महिला बता रही थी कि आम आदमी पार्टी ने बहुत कुछ किया है, आपको क्या लगता है कि उनके जो वादे हैं फ्री में बिजली देना, यहाँ पर रोजगार नहीं है, विकास कुछ नहीं हुआ है, आपको क्या लगता है? वादों को कौन मान सकता है, यही मोदी जी ने सभी 5 साल में करके दिखाया है, वो सब दिख ही रहा है, तो मोदी जी बेस्ट है। तो केजरीवाल का जो फ्री वादा है उस पर गुजरातियों को भरोसा नहीं है? वो सब फेक है, फेक है। करके दिखाए बोलते तो सभी है, करके दिखाए तो माने कोई भी नहीं है भैया। यहाँ पे आ जाइए थोड़ा। मैम आपका नाम क्या है? नाम क्या? मेरा नाम शोभना पंड्या। गुजरात से सेफ दूसरा कोई है नहीं, अने गुजरात में सब सुख, छोटे छोटे रोड पे काम करने वाला भी अच्छी तरह से जी सकते हैं। बस नमस्ते। आप ये बताइए, इधर तो आइए थोड़ा बात कर लीजिए, आप ही बताइए, नई पार्टियां आ रही हैं वो ये कह रही हैं कि 27 साल में कोई विकास? सुनती हुई नहीं कोई पार्टी की बात मेरे को सुनने की जरूरत नहीं। अच्छा ठीक। तो ये वो महिलाएं हैं जो किसी और का नाम सुनना ही नहीं चाहती हैं। सर एक सेकंड, सर आपका नाम क्या है? मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस जी, आप ये बताइए, आप गुजरात के रहने वाले हैं? हाँ, लेकिन क्या मैं आया हूँ अभी यार, मैं ज़्यादा ध्यान ही नहीं हूँ। आप जितने भी 27 साल हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी को, हाँ। आप ये बताइए कुछ विकास हुआ है यहाँ गुजरात में? हाँ, विकास तो हुआ है। क्या क्या विकास हुआ है, जो लोग आपको सुन रहे होंगे उनको क्या बताएंगे गुजरात में क्या बदलाव आया है? बदलाव तो बहुत आया हुआ है, पहले से बेहतर है, अभी बेहतर भी है। अब वोट का अपना बता दीजिए कि किस ओर आप बैठ रहे हैं, क्योंकि पिछली बार आपने किसको वोट किया था? ये अभी तक तो हमने कुछ सोचा नहीं है, अब सोचेंगे अभी तक सोच। चलो आप सोच लीजिए, पर किन मुद्दों पर आपको लगता है कि आपको वोट करना चाहिए, जो आपके मुद्दे हैं किस मुद्दे को देखकर आपको वोट करना चाहिए? यही तो मैं बात बता रहा हूँ, अभी क्लियर नहीं है हमारा, अभी कुछ सोचा नहीं है अभी तक, अभी सोचेंगे आगे आगे। जैसे एक पार्टी है आम आदमी पार्टी, वो कह रही है फ्री बिजली देंगे तो वोट कर दीजिए हमें, गुजरात में एक मौका दे दीजिए, बीजेपी को दे दिया, कांग्रेस को दे दिया, हमें भी दे दीजिए एक मौका, देखेंगे। अच्छा, देखेंगे हम। मतलब आपको भरोसा है फ्री बिजली पे? हाँ, वो देखेंगे अभी आगे आगे, मोदी जी भी क्या कर रहे हैं आगे आगे, इनका भी कुछ ना कुछ तो आएगा आगे। आपका नाम क्या है? कविता। पर कविता जी, आप ये बताइए, आप महिला हैं और यहाँ पर कई लोग कहते हैं कि यहाँ पर रात में भी महिला आराम से इधर उधर जा सकती है, और बाहर देश के भी हालात देखते होंगे आप, गुजरात और बाहर में कितना अंतर है महिलाओं की सेफ्टी को लेकर, यहाँ कैसी सुविधा है? यहाँ सुविधा तो अच्छी है, अपन लेकिन है ना, औरतें रात को नहीं जा सकती इधर, लगता है ऐसा कि जा सकती है पर नहीं जा सकती है, क्योंकि रात को बाहर कोई ना होता ही है छेड़ने के लिए, कोई ना कोई बाहर निकलता ही है, आपको लगता है कि हम निकल सकते हैं पर बाहर जाइए तब पता चलता है कि बाहर निकल ही नहीं सकते। आप ये बताइए, अब दिसंबर में यहाँ चुनाव होने वाले हैं, इस बार महिलाओं का किस ओर झुकाव है, कौन सी पार्टी, क्योंकि तीन पार्टियां आई हैं इस बार, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, महिलाओं का मूड किस तरफ है? आम आदमी पार्टी। आपको क्या लगता है कि जो केजरीवाल कह रहे हैं कि हम फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे, आपको रोजगार देंगे, गुजरात में 27 साल में कोई विकास नहीं हुआ? दे रहे, दिल्ली में भी है महिलाओं को, पूरी दिल्ली में है ना, पूरी महिलाओं को फ्री नौकरी सरकारी दी गई है।
फ्री नौकरी सरकारी, ये कहाँ से पता चला? मतलब कि सरकारी नौकरी है, सबके पास है। अच्छा, दिल्ली में सरकारी नौकरी सबके पास है? हाँ, लेडीज को सरकारी नौकरी में ही भर्ती किया जाता है। कोई बिजली देती है, फ्री बिजली देते हैं, पानी 24 घंटे है। ये आपको पता कहाँ से चला कि दिल्ली में ऐसा काम हो गया? मैं केजरीवाल से। केजरीवाल से? आपने केजरीवाल के मुंह से जो सुना वो सच मान लिया? नहीं, मैं जाके भी आई हूँ। अच्छा। मैं जाके भी आई हूँ। मेरे हस्बैंड है ना, मिनिमम 10 साल से वहाँ है, उस पार्टी में 10 साल से ज्यादा है। केजरीवाल की पार्टी में 10 साल से? हाँ।